दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हमारे धुआंधार प्लेयर्स यानी 1983 के वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के सारे सदस्य आज भी हमारे साथ बने रहेंगे, तो अपने वादे के मुताबिक हम सब लोग यहां पर हाजिर हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम प्लेयर्स के लिए। सो कल से हमारे साथ गोवा से बने हुए हैं मिस्टर सुनील गावस्कर, सनी सर के लिए जोरदार तालियां। सर हमारी वजह से ना आपको मैडम से डांट पड़ने वाले कि हमारे साथ गोवा घूमने आए, लगे तो फिर भी आप क्रिकेट की तो बातें करने में हुए हो। सो सर थैंक यू सो मच एंड सो सॉरी हम लोग आपको बार बार डिस्टर्ब करें, वी लव यू सनी सर। थैंक यू सर। कैप्टन अगर इजाजत दें कपिल शर्मा के लिए ऑन बिहाफ ऑफ टीम मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी, जी, सर, अरे इजाजत, पागल है क्या तू, मेरे से बड़ा है सब कुछ। कपिल शर्मा के माता जी यहाँ हैं, आपको नमस्कार। जिस तरह से कपिल शर्मा सबको हंसाता है, तकलीफ में भी हंसाता है, ये बाप का बेटा नहीं रह गया है, ये ना पंजाब का बेटा रह गया, ये देश का बेटा बन गया। थैंक यू सर। ये जो कोहिनूर का हीरा आपने दिया है, ये हम तो यही दुआ करते हैं कि इसको नज़र ना लगे, ये ऐसे ही हंसाता रहे सबको और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। थैंक यू, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। कपिल मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जी सर, जब सारे हम मौजूद थे और टूर के ऊपर एक क्रांति हो गई, यशपाल शर्मा क्रांति पिक्चर रिलीज हुई थी जी, तो सुबह दोपहर शाम क्रांति। अच्छा जी, एक दिन हो गया, दो दिन, एक हफ्ता हो गया, यशपाल शर्मा टीवी के सामने क्रांति लगा के बैठ गया। हम लोग एक कितने बार देखोगे। हाँ, तो बल्लू ने बोला कि ऐसा करते हैं आप जाके बाहर फोन करो और बोलो यश का फोन आया है, जब वो निकल जाए तो हम वो टेप ले जाएंगे। ओके, तो मैंने जाके बाहर फोन किया, बल्लू ने बोला यश आपका फोन आया है। अच्छा जी, तो यश बोला ठीक है। जैसे यश बाहर निकला हमने वो क्रांति की कैसेट निकाल के छुपा दी। दो मिनट में आ गया, अरे नहीं नहीं मेरा फोन नहीं था, बैठ गया, अरे ये क्रांति कहाँ गई। तो हमने तब तक दूसरी फिल्म लगाई थी। अच्छा जी, दादा कौन के की, क्योंकि सब सारे हम वो क्या है डबल मीनिंग वाली जो फिल्म जी कपिल को बहुत पसंद आती थी। तो जैसे दादा कौनकी की फिल्म लगाई तो यश बड़ा गुस्सा हो गया कि अरे मैं क्रांति देख रहा था, ये क्या हो गया, यश ने क्या किया होगा, टीवी लेके चले गए। उसका क्रांति क्यों पसंद थी पाजी आपको इतनी? ये उसका एक किस्सा है, आप लोग दिलीप साहब कहते हैं दिलीप कुमार जी को, जी जी, मैं यूसुफ भाई कहता हूँ जी। अगर क्रिकेट में मेरी किसी ने जिंदगी बनाई है वो यूसुफ भाई ने बनाई। वाह, उसका 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 बहुत बड़ा उदाहरण है, जिंदगी में पहली बार एक लीडिंग न्यूज़पेपर में मेरी यूसुफ भाई के साथ फोटो है। अच्छा जी, मैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर था कपिल, और मैं किसी एक कंपनी के ग्राउंड में, और वो उसके डायरेक्टर थे। ओके, मुझे नहीं मालूम था, तो मैं वो नॉकआउट का मैच खेल रहा था रणजी ट्रॉफी का, पहले मैच में शतक बना चुका था, दूसरी इनिंग में मैं कोई 80 के करीब बैटिंग कर रहा था, तो मुझे लगा गेट से 3-4 गाड़ियां आई, सफ़ेद कपड़ों में कोई उतरते हैं, तो मुझे लगा कोई लोकल नेता होंगे, तो उन्होंने कुछ पूछा होगा, मुझे बाद में मालूम पड़ा। ओके, तो वो आए, उन्होंने मैच देखा और मेरा शतक पूरा हुआ, क्लैपिंग की, तो मुझे लगा कोई लोकल नेता है, चले गए। जब मैच ख़त्म हुआ, हम फर्स्ट इनिंग लीड पे पंजाब का मैच हार गए, यूपी से मैच था, आपको हैरानी होगी, मुझे आके वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आके बोलते हैं कि आप चलिए, आपको कोई मिलना चाहते हैं। अच्छा जी, तो मैं जब ऑफिस में गया तो वहाँ पर मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, जब मैं सामने अंदर जाता हूँ तो सामने यूसुफ भाई खड़े। वाह, और जब उन्होंने मेरे से शेक हैंड किया और कह रहे कि मेरे को लगता है तेरे में दम है, पंजाबी लगता है अच्छा डील डॉल वाला है, मैं किसी से बात करूंगा, उन्होंने लेट राज सिंह डूंगरपुर से जाके बात की कि पंजाब का लड़का है वो आ रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा, मैं उसकी बैटिंग देख के आऊँ। उन्होंने बीसीसीआई में बात की, जो कि मुझे लेट राज सिंह डूंगरपुर ने बताया कि तुम्हारी जो रिकमेंडेशन थी वो यूसुफ भाई ने की। क्या बात है, दिलीप साहब वी लव यू। और मैं एक आपको बता दूं, मेरा एक इमोशनल टच है, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो इन्होंने कही, ये मेरी खिंचाई करते थे कि क्रांति क्यों देखनी है, ये एक दिन ठीक है, दो दिन ठीक है, कितने दिन देखे क्रांति। मैं सिर्फ यूसुफ, आज भी है मेरा एक इमोशनल उनके साथ है
कि जब उनकी तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो मैं अपसेट हो जाता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो थोड़ा अच्छे रहें और ऐसे ही सबको आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति को हटाने का। अच्छा, हमारे स्पेशली क्रिकेट में पाजी बड़े सुपरस्टिशंस भी होते ना, छोटी छोटी चीजें, कि जैसे कपिल पाजी का होता था कि जब भी जाते थे बैट लेके और पहले आसमान की तरफ देखते थे, फिर एक दंड बैठक मारते थे, उसके बाद खेलना शुरू करते थे। इसी को देख के ना एक बार सिद्धू पाजी ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ऐसे ऊपर देखा और उसके बाद दंड मारा, उनकी पैंट फट गई थी एक्चुअली एक बार इस चक्कर में। पर हमने सुना कि जिमी सर, जब आप खेलने जाते थे आपकी जेब में एक लाल रुमाल रहता था, आप क्या सोच के रखते थे कि कोई फास्ट बॉलर आएगा तो लाल रंग देख के स्लो हो जाएगी बॉल, क्यों रखते थे सर आप? नहीं, उसको एक्चुअली जैसे कि हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं सुपरस्टिशियस हैं जी, कोई ना कोई कुछ अलग करता है, कोई अलग चीजें करता है। बट मेरा क्या था कि मेरे फादर लेजेंडरी फादर बहुत बड़े खिलाड़ी थे अपने वक्त के, तो मैंने कभी उनको खेलते नहीं देखा था, तो मैंने उनकी बातें सुनी थी बहुत ज्यादा। तो मुझे ये कहा जाता था कि जब वो खेलते थे तो वो लाल रुमाल रखा करते थे। ओके। तो मेरा ये एक था कि ड्रीम था, एक एम्बिशन था कि मैं एमुलेट करना चाहता था, मैं उनकी तरह बनना चाहता था। अच्छा जी। बट मेरे में उतना टैलेंट नहीं था जितना उनमें था, तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मदद कर सकती है। तो मैंने जब खेलना शुरू किया तो मैंने वो लाल रुमाल रखना शुरू कर दिया। ओके। तो जब भी मैं उसको रखता था पॉकेट में, मेरी परफॉर्मेंस होती थी। जब मैं कमबैक कर रहा था तब भी वो मुझे बहुत कामयाबी उससे मिली। मुझे याद है कि एक टेस्ट मैच हम खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ में, तो माइकल होल्डिंग कहता कि इसका लाल रुमाल चोरी कर लो, क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी सीरीज जा रही थी। अच्छा जी। तो शायद ये फेल हो जाएगा। तो एक्चुअली लाल रुमाल इसलिए भी मेरा लकी भी कलर रहा है। अच्छा, तो ये ऐसे मौके में रखता हूँ जो स्पेशल मौके होते हैं, जैसे आपके साथ आज एक बहुत स्पेशल मौका है। स्वीट, थैंक यू। तो मैंने कहा इससे बेहतर तो कुछ और चीज़ नहीं हो सकता। भाई कपूर शर्मा सीबीआई का रेट पड़ा है, भागो। अबे बच्चा, सीबीआई का रेट नहीं है, सब 83 वर्ल्ड कप विनिंग टीम है यहाँ पे। अरे अरे सर, आई डोंट बिलीव दिस यार, व्हाट इज माय आई सीइंग, पूरा 83 वर्ल्ड कप का विनिंग टीम। नमस्कार सर, मैं सर बच्चा यादव यार। ओ गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ गॉड यार 12। कपूर शर्मा, आज तो आपका पॉप 12 हो गया। और पीछे आपके पीछे 13वां है। अरे सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे वाह यार, आपको देख के दिल खुश हो गया। व्हाट अ ब्यूटी यार, मजा आ गया यार। ये लीजिए, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं कि इनके सामने तो सिद्धू जी भी छोटे लग रहे हैं। बच्चा वो ध्यान से देखो, हरभजन सिंह है। अरे भज्जी पाजी, अरे सो माय हेलो पौजी यार, माय हेलो पौजी। मतलब आज के दिन पे यहाँ से शेर नहीं आएंगे, यहाँ से तेंदुए आएंगे। यार मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ओए बच्चा, ये क्या कर रहा है? अरे यार, अमरनाथ जी के दर्शन हुए हैं। क्रिकेट के देव कपिल देव जी के दर्शन हुए हैं। ये इतने बड़े बड़े लोग के दर्शन। ये कोकोनट ट्री साथ लेके चलते हो? आ जाता है साथ में, हम कोशिश करते हैं पीछे छोड़ा है, बट इट फॉलो मी। आज तो मन कर रहा है हम यहाँ पे नारियल फोड़े, लेकिन लाए नहीं साथ। अपना सर फोड़ दे। ये क्या बात हुआ यार, हम हिंसा के सख्त खिलाफ हैं दोस्त, ये नहीं होगा। और ये सभी मोटापे के सख्त खिलाफ है। सीख बच्चे, सबसे सीख, देख सब कितना फिटनेस का ध्यान रखते हैं, अकेला 3 लोगों की जगह लेके घूम रहा है। I have one friend, संदू पाजी। अरे सर, ये लीजिए। सर कायदे से देखा जाए तो कोई बुरा बात नहीं है सर। नहीं, आप देखिए ऐसे, आपके जीवन में सर दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना तो नहीं जाएगा। बच्चा ये सब क्या कर रहा है तू? क्या क्या कर रही है क्या? अरे सर, सलामी बल्लेबाज को सलाम कर रहे हैं हम। सर व्हाट रिकॉर्ड आपने बनाया सर, ओहो क्या एक से एक रिकॉर्ड सर। खुद का भी बता ना अपना रिकॉर्ड भी। सर इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 11 बच्चे इसके।
और सर अगर हमारे 11 बच्चे हैं व्हाट प्रॉब्लम यार, आप हमारा रिकॉर्ड 12 बच्चे पैदा करके ब्रेक कर दो, हम आपका हाथ पकड़ के रोकें क्या आपको कि नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, गो अहेड यार। सर आपने कभी रियलाइज किया है कि 83 का जो वर्ल्ड कप है उसमें सिर्फ दो ही चीज लाल थी? कौन सी दो चीजें? एक तो क्रिकेट की बॉल लाल, दूसरे मदन लाल। वैसे किरमानी जी आपसे एक बात पूछना था, हमेशा मैच वैच देखे आप लोगों का, तो फील्ड के ऊपर मतलब आपको किसी ने पनिशमेंट दिया है कि आप ये आधा मुर्गा ऐसे बन के क्यों खड़े रहते हैं? बच्चा वो क्रिकेट कीपर है पागल, वो इसलिए ऐसे करके खड़े रहते हैं। तुझे पता भी है क्रिकेट का कुछ? अरे बहुत नॉलेज है यार हमें क्रिकेट का, हमारे मोहल्ले में क्रिकेट खेलते, कभी नाले में बॉल जाता है कौन लेके आता है? ऐसे भच से हाथ डालते हैं, भच से बॉल बाहर पाए ना यार लोग हमारे। खेलने कूदने का बड़ा शौक है हमें। तू सिर्फ खेला कर, कूदा मत कर, तू कूदेगा ना तो गड्ढे करेगा। क्या? नो बॉल, ट्राई अगेन। हमने सुना कि भाई आप विकेट कीपिंग जब करते हैं आप बॉल पीछे आने नहीं देते हैं। ऐसा ही कुछ खेल है सर हमारा। क्या बात? नहीं सर, एक बार आपसे इंस्पायर होकर हम विकेट कीपिंग शुरू किए थे, बाद में हम छोड़ दिए। क्यों? हमारे पिताजी हमेशा कहा करते थे जो करना है सामने आके करो यार, पीछे खड़े होकर नहीं करना, पीठ पीछे कोई काम नहीं करना। फिर सर हम अंपायर बन गए, फिर सामने अंपायर बन के खड़े होकर उंगली करने में जो मजा आता है ना। कपू शर्मा, यू शुड ट्राई अंपायरिंग यार, उंगली करने का शौक तो है। वैसे सर एक और बात हमको बताइए, 1983 वर्ल्ड कप पे हम एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। अच्छा कपिल सर, हम फिल्म का थोड़ा स्टोरी ऐसा शेयर कर रहे हैं। आप अपने घर से निकलते हैं अपना क्रिकेट का किट लेके, आप चल रहे हैं सीधा आप जाते हैं फील्ड पे, वहां पे स्कूटी पे जो है हीरोइन आती है। अबे बच्चे, क्रिकेट में हीरोइन कहां से आ गई? अच्छा विराट के साथ अनुष्का आ गई, सर के साथ गीता बसरा जी आ गई, वहां पर युवराज के साथ हेजल आ गई, सबके साथ हीरोइन आई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कपिल देव के साथ हीरोइन आ रहा, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। ब्रेकिंग न्यूज, शर्मा जला, बहुत ज्यादा जला। देव से जल रहे हैं ये। अरे जय झूठी अफवाह ना, फिलहाल आगे वाली स्टोरी सुना। हाँ तो आगे क्या होता है सर कि आगे अपना हीरोइन जो है ना, तो कपिल देव जी को हीरोइन से प्यार हो जाता है। अच्छा तो बाकी के 11 लोग भी तो हैं एंट्री कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? नहीं तो सब लोग आते हैं, सबको हीरोइन से प्यार हो जाता है। सारे एक ही लड़की से? अब तो सारे एक ही बॉल के पीछे भाग सकते हैं मैच में, लड़की से प्यार नहीं करते। अच्छा इतने लोगों से प्यार करना है, हीरोइन से भी तो पूछ। हमने पूछा तो फिर पहले थोड़ा मना कर रही थी। अच्छा फिर हमने सबका नाम बताया, 12 लोग का, 12 बार उसने हाँ बोला, हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया उसको यार। अभी हमारी फिल्म फ्री में कर रही है सर। हाँ वरना एक फिल्म का कम से कम 150 रुपया लेती है। उसको बुला ले। हाँ बुलाओ, हीरोइन से मिलना चाहेंगे आप लोग? बुलाइए। ओके चलिए फिर बुलाते हैं, रेडी हो जाइए। लाइट्स कैमरा एक्शन। यह है हमारी हीरोइन चिंगारी, बहुत जल्द हमारी जिंदगी में आग लगा देगी। उम्र देखो और शुरू करो भगवान की भक्ति, और वैसे भी पानी की टंकी में आग कभी नहीं लग सकती। क्या बात है, जीती रहो, खुश रहो। आपका रोल कट, सीन कट, पिक्चर से आउट गो। ये फैसला थर्ड अंपायर करेंगी, आप इधर आ जाओ। कपू एक बात बताओ, इतना अच्छा क्रिकेट मैदान में इस फुटबॉल का क्या काम है? तो कभी इस फुटबॉल को भी जरा किक तो मारिए, और एक गोल ही कर दीजिए। पहले से इतना गोल हो और कितना गोल करो गोलू। वाह चिंगारी, क्या फ्री हिट मारा है।
चल आगे की स्टोरी सुना, हिरण की शादी किससे होगी फिर? वो तो यार एक स्वयंवर होता है फिल्म में। अच्छा। ओके? उसमें डिसाइड होता है कि शादी किससे होगा। अच्छा। स्वयंवर का ऐसा तीन स्टेज है सर। हाँ। पहला एक सवाल जवाब है, जो सही जवाब देता है ना हीरोइन उसको मिलता है। अच्छा। सवाल पूछे हम? हाँ। देखिए ऐसा कौन सा चाय है यानी कि टी है जिसको क्रिकेट ने इजाद किया है? कौन सी टी? 2020 क्रिकेट का ही देन है सर 2020। दूसरा सवाल पूछते हैं सर, एक कौन सा एक बाज होता है, यू नो ईगल बाज होता है ना, तो जो बाज भांगड़ा करता है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बल्लेबाज। भांगड़ा करने वाला बाज बल्लेबाज। एक और सर जी, 1947 में देश आजाद हुआ। हाँ। 1959 में क्या हुआ? क्या हुआ था? कीर्ति आजाद हुआ। लीजिए, एज यू कैन सी, सवाल भी हमने ही पूछे, जवाब भी हमने ही दिए, तो हम जीत गए। हीरोइन से शादी तो अब हम करेंगे नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करोगी, जो मेरे लिए एक गाना गाएंगे मैं उसको शादी करेगी। बहुत डिमांड है यार। बच्चा तुम बताए, श्रीकांत सर भी और जिमी सर भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो सर हो जाए सर। चले जी ठीक है, आप चले जी, कुछ गाना गुना तो नहीं आता, बाथरूम सिंगर जैसे होते हैं हम। इनके ब्यूटी पर हुस्न पर आप तू चुप कर। अरे हम, अरे एनकरेज कर रहे हैं। अपने हुस्न का जलवा देखना है जिसे मंजूर, उतर कर कतराए शबनम में महताब आया। वाह, क्या बात है। चलिए जी ठीक है, आ जाए, आप भी आ जाए यहाँ पे जी। अरे आइए आइए, उन्हीं को बुला रहे, तुम्हें नहीं बुला रहे। क्या बात है, सुपर्ब सर, थैंक यू सर। श्रीकांत सर, गिव सम कंपटीशन। कंपटीशन गाने में एक दूजे के लिए, कम ऑन। तमिल ने पढ़ रहा, तमिल रजनीकांत। वैसे भी मैं भी चेन्नई से हूँ। शायद आप मेरी दिल जीत जाएगी। तमिल ने वो तमिल मूवी है ना, क्या 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 मूवी, एक दूसरे के लिए, तमिल हिंदी कॉम्बिनेशन। अभी श्रीकांत सर ने इतना अच्छा गाना गाया, महेंद्र सर ने इतना अच्छा गाना गाया, टीम में और भी तो सर सिंगर्स जो शौक होता है, मतलब ये नहीं कहता हूँ, और कोई नहीं, कपिल सर किरमानी साहब गाते हैं, किरमानी साहब एक तो कुछ दो लाइनें हो जाए और जब तक ठीक नहीं गाएंगे गाते रहेंगे। थैंक यू किरमानी साहब, थैंक यू प्लीज। अगला हमारा है, आप रोमांटिकली अगर प्रपोज करें तो एक फील आता है सर, तो वो लाइन हम आपको दे देंगे अगर कोई आके प्रपोज करना चाहे। अरे मदन जी बहुत अच्छा है, हिंदी में डायलॉग बोलेगा ना जो आप दे रहे हो। आइए सर, कैसे? मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। फील आ रहा है सर, फील आ रहा है। तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लड़की से ऐसे कोई लड़ता है क्या सर? वेरी नाइस सर, और बहुत शुक्रिया। ये प्रपोजल है क्या, लड़ाई? अरे श्रीकांत सर कितना अच्छा डायलॉग बोलते हैं। सर एक एक डायलॉग सर। क्या डायलॉग है? बोल दीजिए सर। हमारा रजनीकांत का अच्छा सा एक डायलॉग। अच्छा ये ठीक है भाई, ये वाला डायलॉग हमको नहीं पता, आप बोलिए सर। ना एप வருவேன் எப்படி வருவேன் யாருக்கும் தெரியாது, ஆனா கரெக்டான நேரத்துல வந்து லபக்குன்னு பூச்சி போடுவேன் அப்படியே। श्रीकांत सर हमें बताया इसका मतलब भी बता दीजिए, क्या बोला अभी आप दोनों ने आपस में, क्या बात करी? ये बोलेगा मतलब मैं क्या करेगा। इसका मतलब ये है कि किसी को पता नहीं मैं कब आऊंगा, किसके लिए आऊंगा, लेकिन जो टाइम सही है मैं तब आऊंगा। टाइमिंग अच्छा है। क्या बात है, दोनों का ही बात है। ऑल राइट, गॉड ब्लेस।
अरे सर एक बार आप आइए सर सर हैज कम ही इज गोइंग टू किल इट. एक तो मैं तीन घंटा बैठा था एक ही मैच खेला वर्ल्ड कप में वो भी इंजर्ड हो गया उसका मैं सबको सुनता था तीन घंटा सुन रहा था मैं. अभी आप एक डायलॉग ओनली मराठी में. ओह लवली मराठी सी एक्शन. तू खूप सुंदर दिसतेस लाल ड्रेसमध्ये मला खूप आवडलीस परंतु मी जास्त बोलणार नाही. आधी भेटली असतीस तर तुला नक्कीच मी प्रपोज केलं असतं. ये राउंड तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहा यार. ये तो ऑलमोस्ट ड्रॉ ही हो गया है. ये वाला मैच का कोई रिजल्ट निकला नहीं है तो यार एक काम करते हैं थोड़ा म्यूजिक बजाते हैं सेलिब्रेट करते हैं कि ड्रॉ हुआ है. थोड़ा डांस बांस करें यार मजा आएगा. चलिए म्यूजिक दे दीजिए एक बार हमारे सभी धुरंधर भारतीयों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. चलिए थैंक यू वेरी मच जी बहुत बहुत शुक्रिया. फिल्म बनेगा जरूर हम आएंगे आपके पास स्क्रिप्ट लेके. चलिए ओ यार हम साइन हो गए हैं बहुत बड़े बड़े कलाकार मिल गए हमके साथ. दिलीप सर आपके सारे दोस्त कर्नल क्यों बुलाते थे. 1975 में जब मैं ईरान ट्रॉफी खेला बॉम्बे के लिए जी आई वॉज 18-19 ईयर्स ऑफ एज और एकनाथ सोलकर इंजर्ड हो गए जिसके लिए मुझे एक्चुअली मिला चांस मिला खेलने के लिए क्योंकि हमारी टीम बहुत ही बड़ी टीम अच्छी टीम थी अच्छे सुपर स्टार्स थे काफ़ी हमारे टीम में. तो जब मुझे चांस मिला तो मैंने 100 किए अच्छा फर्स्ट मैच में और चार सिक्सेस ऑफ बिशन सिंह बेदी और तीन ऑफ प्रसन्न. ओके तो तभी लाला अमरनाथ वॉज अट ऑल इंडिया रेडियो एज एक्सपर्ट कमेंटेटर. ओके तो उनको पूछा कि ये बच्चे के बारे में आपका क्या लगता है. ही सेड ही बेस्ट लाइक कर्नल नायडू ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन कैप्टन अच्छा जी इन 1932 ही वॉज टॉल एंड ही वॉज गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल नो सिक्सर काफ़ी मारते थे. तो इसे जब मैं 7 सिक्सर मारे मेरे पहले ही इनिंग में तो उनको लगा कि ही बेस्ट लाइक कर्नल नायडू. हंसी मजाक का सिलसिला यहाँ पे चलता रहेगा लेकिन कपिल पाजी को किसी अर्जेंट काम से अभी उनको यहाँ से जाना पड़ेगा. सो कपिल पाजी थैंक यू सो मच आप आए और इतनी रौनक लगी हमारे शो में. दिल तो नहीं चाहता कि आपको भेजें पर हम समझते हैं कि आपकी भी मजबूरी है. पाजी लव यू पाजी थैंक यू सो मच. टीम का ध्यान रखना. जी जी बिल्कुल हम आपकी टीम का ध्यान रखेंगे. टीम का ध्यान रखना मैं बाद में मिलता हूं. पाजी इससे पहले आप जाएं मुझे ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा. मैं मुझे एक साइन करवाने हैं ऐसी बड़ी टीम दोबारा मिलेगी. आज मैं पहन के भी सफेद आया हूं मुझे कोई पेन मिल जाए. हां पेन पेन दे दो. थैंक यू पाजी. पाजी छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है बिकॉज पूरी वर्ल्ड कप की यहाँ पे टीम है तो एक तो फोटो आपकी तब हुई थी जब आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था. पाजी आज उसके बाद आज फिर सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो हम चाहते हैं कि एक फोटो ग्रुप फोटो हो जाए पाजी और फिर उसके बाद आप प्लीज निकल जाना. तो सबसे पहले मैं आपको पुरानी फोटो दिखाना चाहता हूं. पाजी पाजी आप भी देखो वर्ल्ड कप के दौरान ग्रुप फोटो दी. सर जैसे सबके निकनेम्स जैसे आप कपिल पाजी को कैप्स बुलाते हैं कुछ लोग जैसे श्रीकांत सर को चिका बुलाते हैं वैसे सर आपको चिका क्यों बुलाते हैं. चिका हाँ चिका कड़वाना सी बैट बोल रहा दिया. क्या बोल रहे हैं. बोलते बॉलर्स जो होते हैं तो उनकी चीखें निकलवा देते थे. चल चुप ना. सी चेन्नई में हो सकता है क्या ना एडिटिंग श्री नाम का ना और श्रीनिवासन का चीना भी बोल सकता है. ओके श्रीकांत आई थिंक चीका हो गया मेरा सेकंड स्टैंडर्ड से चीका नाम है हमारा नाम है. सो इट्स ओके चाइल्डहुड पेट नेम है सर. सबके निकनेम रखे थे कोई टीम में सबने. जिमी जिमी बा पॉल ओम्मा दीपा पाल बादम पाल अकटी वाली और क्या सनी और रवि को कैमसी. ओके और क्या चाहिए. नहीं और कुछ नहीं चाहिए. और क्या चाहिए. सर आप सब लोग दोस्त पूरे टीम के सदस्य यहाँ पे हैं तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों के हैं मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आप एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं. तो छोटे छोटे सवाल हैं कोई भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
होटल का कमरा सबसे ज्यादा गंदा कौन रखता था? श्रीकांत। चल। एक जूता इधर, सॉक्स उधर, अच्छा शर्ट उधर। रॉजर चल काम सपोर्ट करना मेरे को, सपोर्ट कर। यस 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 यस। सही सही बोले। सही है। मैं ऐसे नहीं हूँ। नहीं नहीं सर। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं ये अदालत नहीं है, कोई तो ओपिनियन है दोस्तों का। और ठीक है ठीक है। तो सर किसके पैरों से जुराबे उतारने के बाद सबसे ज्यादा स्मेल आती थी? खुद ही बोले ना श्रीकांत। खुद ही बोल दिए। ओके सबसे ज्यादा खाता कौन था सर? रवि शास्त्री। रवि शास्त्री सबसे ज्यादा खाते दो आदमी का खा जाता था। अच्छा जी आराम से तीसरे का भी देखता था कहीं वो मिल जाए। सबसे ज्यादा पार्टी कौन करता था? पाटिल। क्या बात है सर, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं आप, ये कंप्लेंट की तरह लेते हैं सर। देखियो मैं पार्टी करता तो ये क्या करते थे फिर बाकी के? आप ये तो एक लीड करते थे लेकिन एंजॉय तो सभी करते थे। सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन था? थोड़ा अपने लुक वुक पे कौन थे? पाटिल। पाटिल साहब। पाटिल। सर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो भी ना है वो दोनों चीज फैशन और ये पार्टी साथ चलती है ना। हाँ वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है वो, कॉम्बो है, टू इन वन। संदीप का एक किस्सा है, मेरे पास बाइक होता था, मैं से घर में बाइक छोड़ता था, फिर हम रणजी ट्रॉफी के लिए जाते थे, तो हम दिलीप ट्रॉफी खेले थे वानखेड़े पे। अच्छा जी। तो इसने एक नई टी शर्ट पहनी थी। ओके। तो बोला क्या पढ़ला नया टी शर्ट, मच्छरदानी वाला ये तो कपड़ा है। ये क्या बोलता है, मैंने 30,000 का बिल दिया है कल ही, इतना कपड़ा सिलाए उधर से। मतलब 30,000 पढ़ला 80s में, 30,000 वाज बिग। हमने गाड़ी पार्क की वानखेड़े के बाहर, इसने दिलीप बाहर दूसरी गाड़ी से निकला, अरे पाटला क्या चकाचक दिख रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। बोलता हाँ रे कली का 15,000 का कपड़ा बाइक किया सब। अंदर गए ड्रेसिंग रूम में, अंशुमन सामने खड़े थे, अरे पाटला क्या नया कपड़े, क्या स्टाइलिश दिख रहा है तू, अरे कल ही 7,000 का बिल दिया मैंने। मैं बोला शिवाजी पार्क से स्टार्ट हुआ वानखेड़े पहुंचते तक 7,000 हो गया, कोलाबा जाते तो इसको सामने से देता वो। कैप्टन को सबसे ज्यादा मस्का कौन मारता था? यशपाल शर्मा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे सब टीम साथ में खाना खाने जाती है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि होटल में, आप अपना मैच खेल के उसके बाद कहीं बाहर घूमने गए, तो होटल में होता है ना कि सब लोग खाना खा रहे हैं और जब बिल की बारी आती है तो एक कोई यार दोस्त ग्रुप में पूरा जरूर होता है जो हाथ धोने के बहाने निकल जाता है या कोई फोन आने निकल जाता है कुछ तो कुछ, वो दोस्त कौन सा था सर टीम में? अच्छा टीवी पे नहीं है ना अभी वो। तभी इनका नाम कर्नल रखा। होटल में खाना कौन खाता था? नीचे उतरना, हमने देखना कोई आया हमें खाना खिलाने के लिए कोई। तो दो तीन खड़े होते थे यार दोस्त, आप एक डिनर के चलते हैं। हाँ चलते हैं। 99% जो जब हम खेलते थे तो हम वेट करते थे कोई गेस्ट आ जाए हमें ले, इसीलिए हमें ले जाए, हमें ले जाए। एक हमारा क्रिकेटर होता था, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट दूसरा उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ना ब्लेजर पा के हलवाई की दुकान पर जाता था। क्या करते थे? हलवाई की दुकान पे जाता था ब्लेजर डाल के इंडिया। अच्छा, का अच्छा कि दही में डिस्काउंट मिल जाए। उन्हें आऊं कर रहे हैं ऐसे करके आधा किलो दही नहीं जरा भाई, वो बड़े घर चल यार 50 रुपए नहीं तू 10 रुपए ही दे तो चल लगे। मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि जी सर अभी तो दौर बदल गया है, और पहले भी मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट तभी नहीं था, तो हमारे जैसे दोस्त मदीने कहा कि खिमजी रामदास, कनक भाई खिमजी रामदास थे, विनू भाई वड़गामा थे, प्रवीण पटेल थे और सारे थे जी। और मैच के दौरान जब लंच टाइम होता था ड्रेसिंग रूम छोड़ के उनके गाड़ी में जो खाना ले आते थे वहाँ जाके खाते थे। अच्छा जी। उतनी हमें इजाज़त थी उस ज़माने में, तो उनको मैं आज सबकी तरफ से याद करना चाहता हूँ कि बहुत सेवा उन्होंने की हमारी। थैंक यू सो मच सनी सर, हमने आपको आपकी वेकेशंस पे डिस्टर्ब किया, बट सो स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच जी। शुक्रिया, बहुत मजा आ गया शो में आकर। अरे सर उस समय अपनी वाइफ्स को साथ में ले जाने की
परमिशन होती थी कि नहीं बीसीसीआई की तरफ से? नहीं नहीं थी ऐसा, नहीं 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 उशिका सर बोल रही थी नहीं 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 नो परमिशन, बट वो चोरी चोरी ले आते थे। नहीं 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 परमिशन परमिशन कुछ नहीं उस टाइम में, अब लेके आए तो लेके आप बदल गया तुरंत यार बोल के कुछ नहीं नो परमिशन ऐसा कुछ नहीं। लेके कैसे हो वहां पे, तो रूम आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ? नहीं 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 रूम आप पेंट करना चाहिए ना। नहीं पर पैसे किसके पास थे? बोर्ड की तरफ से ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। ओके तो फिर जब वो क्या होता था कि वो देख ले जाता था कि छह प्लेयर्स की वाइफ्स आई हैं। ओके अब पैसा है नहीं, रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, और शामंत किन की आती थी जिनकी वाइफ्स नहीं है और जब बैचलर है, फिर वो पिल्लो कंपटीशन चलता था, पिल्लो ले लो और उस कमरे में जगह वहां चले जाओ, ऐसे एडजस्टमेंट होती थी। क्योंकि पैसा था नहीं, पैसा तो हमें खुशी है कि इतना पैसा आ गया। 87 में वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद पैसा आना शुरू हुआ। 83 में जुनून था खेलने का, इतिहास बना, वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद सोच मिली। हमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ मिली है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो गिफ्ट मिला हमें, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब सचिन तेंदुलकर ने एक बात कही थी जब वो शायद 11 साल के थे, कि उन्होंने जब कपिल देव को ये कप उठाते देखा तो वो सीरियस हो गए कि मुझे भी कुछ देश के लिए करना है, तो हमें सचिन तेंदुलकर मिला। मैं बताता हूँ कपिल, राज सिंह डूंगरपुर थे, भला मानस नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने फोन किया था लता मंगेशकर जी को। अच्छा जी। और लता मंगेशकर नाइट भी थी दिल्ली में। ओके। और जब वो भी थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अच्छा जी। हाँ। और उसमें वो आए थे और स्वर्गीय मुकेश के बेटे थे नितिन मुकेश, वो आए। अच्छा जी। और शंकर जयकिशन थे, और इन लोगों ने वो लता मंगेशकर नाइट की थी। अच्छा। और उसके अंदर 1,00,000 रुपया इकट्ठा किया था जो हम लोगों को मिला था, यही हम लोगों की कमाई थी। और मैं कहना चाहूंगा कि 1983 में जो बेस्ट था उस टाइम पे वो हमें मिला, फाइनेंशियली जो भी बेस्ट था उस टाइम पे, लेकिन आज की क्रिकेटर्स को जो बेस्ट है वो मिलता है, तो वी फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमने आज यहाँ क्रिकेट पहुंचाने में हमने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एंड दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वी हैव। हमने कंट्रीब्यूट किया है, मगर हमने जो फाउंडेशन डाला है जी करंट एरा ऑफ क्रिकेटर्स के लिए, बहुत ही मजबूत फाउंडेशन डाला है, जहां पे आजकल के खिलाड़ी उसके ऊपर स्टोरीज बनते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हमें खुशी है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बहुत ही मजबूत रहा जी सर। अरे सर, मैंने जो सवाल पूछा था कि जो बीवियाँ हैं वो क्रिकेटर्स को उस समय इजाज़त थी या नहीं, तो फिर सर ने ये बताया कि जो हमें बातों से समझ में आया कि बोर्ड ने ज्यादा टेंशन ली नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि खिलाड़ी के पास पैसे तो है नहीं तो ये कौन सा लेके जाएंगे, तो उन्होंने शायद आप पे छोड़ दिया था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बहुत सारे मैचेस आप खेलो, पजी भाजी गीता भाभी को भी हमने देखा है मैचेस में, कई बार आपके मैचेस देखने आती हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी वाइफ्स वहां पे आती हैं, तो हमारे दर्शकों की कुछ राय लेना चाहते हैं हम सर इस बारे में। तो आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों की जो पत्नियां हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं उनको इजाजत होनी चाहिए मैच में साथ जाने की, ट्रैवल करने की, देखने की या नहीं, तो अपने अपने विचार पेश करेंगी हिंदुस्तान की जनता। जी सबसे पहले जी वन बाय वन आइए, माइक दे दीजिए मैडम को। हाय कपिल जी। हेलो जी। आई लव योर शो बिकॉज माई हस्बैंड लाइक्स वेरी मच यू। थैंक यू जी, आपके हस्बैंड की चॉइस बड़ी अच्छी है क्योंकि आप पूरा टेंशन खत्म कर देते हो। शुक्रिया जी, घर का बस आप उनको देते रहिए, हम खत्म करते रहेंगे जी मैम आए नहीं हस्बैंड साथ में? नहीं वो नहीं आए, मेरी वो सिस्टर वो है शो के आप मतलब मुझे समझ नहीं आया, वो बिजनेसमैन है तो उनको टाइम नहीं है, तो जाने दो उनको जाने दो उनको जी। तो क्या कहना, आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा विचार है कि हस्बैंड लोग को साथ में लेके ही जाना चाहिए वाइफ को। क्यों? बिकॉज क्रिकेट में हार्डवर्क ज्यादा चलता है जी, बट अगर आदमी शादीशुदा है तो उसका लक उसके साथ में चलता है जी, मतलब वाइफ के आ जाने से लक भी काम करता है और हार्डवर्क भी काम करता है। आप खुद बोलने की बीवियों जानी चाहिए मैच देखने, और जब शो पे आई तो पति को साथ आप लेके नहीं आई तो मतलब इतनी अरे वो पैसे कमाने में पड़े हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, तो चलो जाने दो उनको पैसे कमाने दो, हमको उड़ाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका जी। और कोई हमारे दोस्त जी, मैडम ने पीछे हाथ खड़ा किया था, वो भी अपने विचार पेश करना चाहती हैं इस मुद्दे पर कि खिलाड़ियों की पत्नियां जो है अलाउड होनी चाहिए या नहीं। जी मैडम बिल्कुल अलाउड नहीं होनी चाहिए। वाओ व्हाट अ स्टैंड,
या बिकॉज घर का झगड़ा क्यों फील पर लाए, फिर मूड खराब हो जाता है ना. wow, और हम बीवियों की बहुत बुरी आदत है, हस्बैंड को सामने देखते ही नैगिंग शुरू कर देते हैं, झिकझिक शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि ये करो वो करो. सो बेहतर है कि आए ना. ऑनेस्ट लेडी ऑफ द इंडिया. वाह, बिल्कुल आपने ऑनेस्टी से आपने जवाब दिया और वी लव यू मैम. थैंक यू. थैंक यू जी. इस तरफ भी हाथ खड़े हुए. जी जी सर, आप माइक माइक ले लीजिए. नमस्ते कपिल जी. नमस्ते जी सर. सर मुझे ऐसा लगता है कि माँ को लेके जाना चाहिए हम जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो. माँ तो हमेशा, मेरी माँ हमेशा मेरे शो में रहती है तो वो तो आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ. हाँ, माँ रहती है तो वैसे ही काश लगता है भगवान हमारे सामने बैठे. आशीर्वाद. पर फिर भी लॉजिक उसके पीछे क्या देना चाहते हैं आप? कैसा हो जाता है आजकल क्रिकेटर, मतलब हीरोगिरी शुरू कर देते हैं. कैसे मतलब? मतलब कोई गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, तो उनके सामने हीरोगिरी शुरू कर देते, फिर जल्दी आउट हो जाते. तो उससे अच्छा ऐसा होता है बाजी? पता नहीं यार, मुझे तो पता नहीं. एक दो बार यूवी आउट हुआ था. तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ को लेके जाना चाहिए क्योंकि उनका आशीर्वाद रहेगा तो और अच्छे से हम खेल पाएंगे. यार बड़े बड़े नेक विचार हैं आपके. लव यू ब्रदर. थैंक यू. हमारी माँ ही है तो मुझे ऐसा लगता है. बहुत अच्छी बात है. थैंक यू. आपके पीछे भी किसी ने हाथ खड़ा किया था. ये मैडम कुछ कहना चाहती हैं. हेलो कपिल. आपको देख के मुझे आम का सीजन याद आ गया. पैसे येलो कलर का सूट पहना, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप. थैंक यू. कहाँ से आई मैम आप? मैं वैसे तो बठिंडा मानसा की हूँ. और ऐसे वैसे आप बठिंडा से? जी ऐसे हम, मैं कुलावा नेवी नगर से आई हूँ. आपके हस्बैंड नेवी में? हाँ जी. साथ आए? नहीं, एक्चुअली उनकी ड्यूटी थी. वैसे वो आना चाहते थे, बहुत बड़े फैन आपके शो के. शुक्रिया जी. पर उनको छुट्टी नहीं मिली इसलिए ना. अच्छा, वो नहीं आ पाए. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे क्रिकेटर्स की वाइफ को अगर वो साथ में ले जाए ना ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि वो तो अपनी वाइफ, मतलब उनकी जो होती है ना, उनको तो वो अपने हस्बैंड को टीवी पर देख लेती है जी खेलते हुए. जैसे मेरे हस्बैंड नेवी में है, वो सबमरीनर एक्चुअली वो. ओके. तो जैसे वो सेलिंग पे चले जाते डेढ़ डेढ़ दो दो महीना. अच्छा. तो जैसे ये तो बात भी कर सकते हैं ना फोन पर जी. हम लोग तो बात भी नहीं कर सकते फोन से. मैं आपके शो के जरिए, मतलब क्योंकि आप तो ट्वीट भी कर लेते हो ना, तो ट्वीट बड़ा मशहूर हुआ. मैं चाहती हूँ कि आप ना सरकार को मेरी तरफ से भले ये गुजारिश कीजिए कि वाइफ्स को साथ में लेके जाए, क्योंकि हम लोगों को अकेले रहना पड़ता है ना, तो हम लोग मिल भी नहीं पाते हैं. तो आप थोड़ा सरकार का बोलिए कि यार, मतलब ये नेवी वाले की वाइफ है. भाई सबसे पहले तो आपके हस्बैंड को सैल्यूट है, हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं. जैसे आपने अभी मैडम की बातें सुनी, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दो दो महीने, तीन तीन महीने. आप घर आना तो दूर की बात, फोन पे भी बात नहीं हो पाती. पर लेकिन ये जो आप सैक्रिफाइस करते हैं, आपके परिवार और आपके पति, और ये हम सबके लिए करते हैं, हमारे देश के लिए करते हैं, तो हमारा सैल्यूट है आप सबको. और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें. और बाकी जो जो आपने ट्वीट वाली बात कही है, पता क्या, मेरे अपने पंगे नहीं खत्म हो रहे. मैं तो सरकार, मतलब क्रिकेट में तो अभी मना नहीं है, क्रिकेट में तो जा सकती हैं आपकी बीवियां, साथ में जाती हैं. हाँ, अभी आप देखते होंगे मैच पर. हाँ मुझे नेवी का पता नहीं है. वैसे अगर कहीं और पोस्टिंग होती तो उनके जो क्वार्टर्स मिलते हैं वहाँ पे तो मैंने फैमिलीज देखी रहती हैं. नहीं, पर ये तुम लोग रहते हैं? हाँ वहाँ पे तो आप रहते ही हो ना. हाँ जी. हाँ. तो आपको सबमरीन तक घुसना है ना. बोल दो कि आपकी बात एक बार सरकार के ध्यान में आ जाए. ठीक है, तो ये बोल सरकार के ध्यान में आ चुकी है. आप भी टीवी पे आ ही रही हैं तो ऑलमोस्ट बात पहुंच चुकी आपकी है. आपकी ज्यादा चलती है ना. ये आपको लगता है? नहीं है, ऐसा ही है. पर आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा मैम. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. इधर भी भाई साहब एक अपना कुछ बयान कुछ करना चाहते हैं, अपने विचार. जी भाई जी. सबसे पहले नमस्कार कपिल सर. नमस्कार. पूरी टीम को मेरा नमस्कार. नमस्ते जी. सर मेरे हिसाब से बीवियों को साथ नहीं जाना चाहिए. नहीं क्यों? क्यों बड़े आपने ना, वो होता ना कि आदमी सता हुआ है पूरा, उसने ऐसे बोला है. आपकी पहली लाइन में ना वो गुस्सा नजर आ रहा था. क्यों क्यों कहा आपने ऐसा? नहीं, प्यार की बात है सर. अच्छा. देश प्रेम की बात है. देश प्रेम की बात है. हाँ जी. कैसे मतलब? प्लेयर देश की शान होते हैं सर. हाँ जी. और बीवी जान होती है. हाँ जी. और आजकल ये कैमरे वाले पूरा अगर बीवी से हाथ गई है तो उस पर फोकस पूरा करते हैं. हाँ जी. तो उसमें गलत क्या, फिर क्या हो गया? तो कहीं ध्यान जान की तरफ चला गया तो देश की तो जान पे बन जाएगी सर. तो आप क्या करते हैं सर? फार्मर.
अच्छा कहाँ से आए आप? पानीपत हरियाणा से। अच्छा जी, तो बीवी के साथ आए हैं? नहीं, दोस्तों के साथ। तो अभी कौन सा देश की आन बान खतरे में थी, उनको ले आते आप? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपका ध्यान भटक जाता या कुछ काम खराब हो जाता। आप अब जी खेतों में जाते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो अपनी बीवी को साथ लेके जाते हैं? नहीं सर। क्यों, आप कहीं मतलब क्यों नहीं लेके जाते आप? ऊपर ध्यान उधर रह जाएगा ना सर, ध्यान उधर रह जाएगा, फसल कहीं गलत ना बोते हैं। चलिए भाई, हर एक के अपने अपने विचार हैं। धन्यवाद सर, हरियाणा से आए आप, शुक्रिया। और कोई हमारे भाई साहब? जी जी मैडम। मेरा नाम हीना है। हीना। और मेरा ये मानना है कि वाइफ को साथ में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ट्यूशंस करवाती हूँ, अगर अच्छा मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में बैठे रहेंगे तो वो टोक टोक करते रहेंगे, ये मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, तो आई विल नॉट प्रेफर। वैसे वो बिजनेस टूर्स पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो मेरी आदत रहती है कि ये शर्ट मत पहनो, वो पैंट मत पहनो, ऐसे शूज मत डालो। तो अगर वो मतलब अगर क्रिकेटर्स के साथ उसकी वाइफ जाएंगे तो ऑब्वियस वो बोलेंगे सबने सेम टी शर्ट पहनी, आप कुछ अलग पहन लो। उसको मना नहीं कर सकते ना। बीवी को लेके जाना चाहिए, ये नहीं चाहिए, बीवी को लेके जाना चाहिए। जो आदमी दुनिया में किसी से डरता वो बीवी के। क्योंकि 83 वर्ल्ड कप में 6 बीवी आ गया, 6 बीवी जीत गया हमको, लक हो गया। उस टाइम इसका शादी नहीं हो गया, यशपाल की भी शादी नहीं हो गया, हो गया क्या? बैठे मरवाएगा। वर्ल्ड कप टाइम में आपका शादी नहीं हो गया? अरे शादी हो गया था, नहीं आ सकती थी, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। तू कंजूस है, इसीलिए प्रॉब्लम है। अरे क्योंकि विश्व कप जीता, उसके बाद बहुत बड़ा गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे। हमारे घर में बेटी आई सितंबर में, इसलिए वो नहीं आ सकती थी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द लेडीज, बीवी को लेके जाना चाहिए, इसमें क्या फर्क है रे? नहीं, घर में इतना टोक टोक करते हैं बीवी, फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर वही हाल होगा। आप हॉलिडे के लिए लेके जाएंगे ना, 20 दिन में तो पूरा टूर नहीं रह सकता है। मेरे हस्बैंड है 15-20 दिन में, इसमें क्या फर्क है आपका? मेरे हस्बैंड है, वो मुझे कभी लेके नहीं जाते बिजनेस। आपका हस्बैंड लेके जाएगा तो मैं क्या करूँ उसको? इधर तो वो रेड वाला बोलता है लेके जाओ। Mine is love marriage. ये सबका love marriage है इधर, ये क्या फर्क है इसमें? मेरा arrange marriage है। आपका कुछ भी नहीं arrange है, कुछ भी नहीं arrange होगा आपका। That's why I'm with you. Keep your wife. You all don't understand. In the 83 World Cup, since the whole program of the 83 World Cup, the wives, सबका wife बहुत अच्छा enjoy किया। ओ पबी दैट इज गमस्का का वाइफ, रोमी कपिल का वाइफ, बिकू जिमी का वाइफ, अनु का मधिक का वाइफ, वो भी आ गया, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी हो गया। एक्चुअली टू कट शॉर्ट, दोज हु गॉट मैरिड द डे गॉट मैरिड हमारी टीम में से, एवरी टाइम दे यू नो देयर वाइफ्स ट्रैवल विद देम एंड इट वाज सच वंडरफुल टू हैव यू नो भाभीज विद अस। इट इज हनीमून टाइप हॉलीडे, सब कुछ भी। अदरवाइज किधर देखेगा इंग्लैंड, किधर देखेगा ऑस्ट्रेलिया, किधर देखेगा साउथ अफ्रीका, किधर देखेगा अमेरिका? ये ऑस्ट्रेलिया चलो लेके जाओ, ऑस्ट्रेलिया हॉलीडे की भी हॉलीडे भी हो गया, मैच की भी मैच भी हो गया, वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप भी हो गया, जीत की भी जीत भी हो गया, बाद में कप भी आ गया, सब ठीक हो गया। तो सर, आप सबने वर्ल्ड कप जीत के जो हमारे भारत को, हमारे देश को सम्मान दिलाया, आपकी खुशी में एक छोटा सा मुशायरा यहीं पे, तो जल्दी जल्दी आइए। आज हमारी आज की ये शान क्रिकेट के लेजेंड लोगों के नाम, एक बार जोरदार तालियां इन सारे सुपर हीरो के लिए। तो मैं बताती हूँ कि एक तरफ है हमारे उच्च कोटि के प्लेयर और दूसरी तरफ है हमारे तुच्छ कोटि के तुच्छे से शायर। साइज और उम्र से अडल्ट मेरे बच्चा ज्यादा, गोरिल्ला जैसे आईब्रो वाली सपना, शादी करके भी कुमारों वाली हरकत करने वाले कप्पू शर्मा, और मेरे सामने तितली के सामने बहुत ज्यादा एवरेज दिखने वाली चिंगारी। एक्सक्यूज मी, मैं और
एवरेज यू नो अब तक चीका जी ने मुझे 3 बार फोन नंबर पूछ लिया और अमरनाथ जी का मैसेज भी आ गया फोन पे और किरमानी जी ने मुझे एक डिनर को भी बुलाया क्या बात कर रही है अरे एक मिनट किरमानी जी तो मेरे को भी लंच के लिए बोले थे और मेरे को नाश्ते के लिए एक मिनट ऐसा लगता है किरमानी जी गरीब महिलाओं को भोजन खिलाने आए हैं बकवास बंद कर रहे देखिए अगर ऐसा है तो हमको 2 मिनट दे दीजिए हम भी साड़ी पहन के आ जाएंगे यहाँ पे चलता है सही कह रहे सर मेरे पति 2-in-1 है कभी पति और कभी पत्नी नहीं हाँ। कभी पनौती क्यूट नहीं हो तो कम से कम क्वाइट तो हो जाओ या तो समझ में आओ नहीं तो भाड़ में जाओ चुप भाड़ू मर्द चुप भाड़ू सर हम एक शेर अर्ज करना चाहेंगे तवज्जो दीजिएगा साथ में कुछ कैश या ज्वेलरी देना चाहेंगे तो दो दीजिएगा हम ना नहीं कहेंगे दीजिए तो अर्ज किया है आता है पतझड़ तो पेड़ों को उजाड़ देता है आता है पतझड़ तो पेड़ों को उजाड़ देता है और जब भी होती है इसे गैस ये लोहे की धोती फाड़ देता है ठीक है वैसे भी हमारे शेर के बीच में आप कहां से ऐसे घुस आए जैसे तेरे शरीर में तेरी धोती घुस जाती वैसे हंस कह रहे कितना घटिया शायरी बोले ले आप शायरी ऐसा थोड़ी रहता मैं अर्ज करेगी कर दो आप दोनों के लिए बोलेगी कपल के लिए इन दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए हमारी पत्नी है इस कपल की जिंदगी का बहुत खूबसूरत है नजारा क्या बात है क्या वाह इस कपल की जिंदगी का बहुत खूबसूरत है नजारा 35 है इनकी भैंसे और बच्चे हैं 11 लानत है नहीं बहुत बड़ी बात है अगर सपना रानी तूने बच्चों की बात की है ना तो ले फिर सुन बच्चों के बारे में कुछ कहते हैं सर ये बच्चे नहीं इश्क़ इजहार है गौर फरमाइएगा ये बच्चे नहीं इश्क़ इजहार है तुम 11 की बात करती हो हम तो 12वें के लिए भी तैयार हैं क्या बात है आप ये कमिटमेंट करने से पहले जरा हमसे भी पूछ लो हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं अब मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ वाह वाह मजा आ गया बात सुन के ही मजा आ गया शेर के साथ साथ मेरे साथ निकाह भी पढ़ दो अर्ज किया है कबूल है अरे भाओ जरा बॉलर को बॉलिंग तो करने दो कहां बल्ला घुमा रहे हो यार रुक जाओ जरा तेरे डकवर्थ का लुइस तेरे रिकी का पॉइंटिंग बीच में नहीं घुसना मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तू के बीच में घुस रहा है बे अर्ज किया है कर दो परिंदों की तरह आसमान में उड़ना चाहती हूँ गो फ्लाई वाह वाह मछली की तरह लहरों से मिलना चाहती हूँ वाह 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 फिशी से और लोग बोलते हैं कि ये अकेले रहते हैं कौन रहते हैं कौन रहते अकेले नहीं रहते हम लोग वाह 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 मजा आ गया ये क्या मजा आ गया काफिया तो मिला ही नहीं क्या से रहे यार काफिया नहीं मिला तो कहीं रख के भूल गई होगी मिल जाएगा काफिया का क्या चिंगारी तुम्हारे लिए कर्ज किया है थैंक यू तुमसे मुझे प्यार है भाई। रहना ना किसी डाउट में डायरेक्ट बोल दिए तुमसे हमें प्यार है रहना ना किसी डाउट में दिल में जगह नहीं है तो रख लो हमें अपने पाउट में एक मिनट रुको पाउट की अगर बात हुई है तो 1983 के सारे सुपर हीरो हमारे साथ बैठे हैं तब सर पाउट हुआ करते थे कि नहीं पाउट क्या है जी मुझे पता था मैं बताती हूँ कि पाउट क्या होता है जैसे कि आप सुबह सुबह जूस पी रहे हैं उसमें स्ट्रॉ है तो ऐसे कर रहे हो और अचानक से किसी ने आपका ग्लास छीन लिया स्ट्रॉ हट गई
तो जो ऐसा रहता है ना उसको कहते हैं पाउट। तो सर मैं चाहती हूँ कि आज जो हमारे सुपर हीरो बैठे हैं, सर आप सबको पाउट करना आता है? नहीं, हमें तो आउट करना आता है। ये बात भी सही है। वो तो सर आप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको पाउट में भी देखना, आप जरा से कीजिए। सर आप कीजिए। सर आप, आप, ओहो, अरे वाह, हाँ जी सर आप, सर आप, ओए होए, सर आप, तीन लोगों ने पाउट किए, बाकियों ने सब ने पप्पियां दी मुझे। मैंने ऑल आउट देखा था आज, ऑल पाउट देखे। मेरे को सबसे ज्यादा श्रीकांत जी का पाउट बहुत अच्छा लगे ले। एक बार करिए ना। मजा आ गया। क्या बात है सर? आपके लिए मैं अर्ज करना चाहेगी। करो करो करो। कि आग लगती है फूलों में। आए। वाह। सर एक बार करिए ना इसे। हाँ। मजा आ रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। आग लगती है फूलों में कि गुलाब क्यों है लाल? अच्छा अच्छा। आग लगती है फूलों में कि गुलाब क्यों है लाल? वाई श्रीकांत जी मुझसे मसाज करवा लो, चिकने कर दूंगी आपके गाल। बैठे बैठे पैसा भी कमा लिए। इसके एक और शेर अर्ज किया है श्रीकांत जी, तवज्जो चाहूंगा मैं। अर्ज किया है कि श्रीकांत जी रहने दीजिए, अच्छी खासी आपकी सूरत है, गाल चिकने ये क्या करेगी जिसको खुद पेस्ट कंट्रोल की जरूरत है। मुझे भी ना एक रोमांटिक शेर याद आ गया है। अर्ज किया है श्रीकांत जी आपके लिए एक रोमांटिक शेर। रोमांटिक शेर अर्ज किया है श्रीकांत जी आपके लिए कि हमारी भैंसिया ने शर्माते हुए भैंसे के कान में बोली, हमारी भैंसिया शर्माते हुए भैंसे के कान में बोली। क्या बोली? क्या बोली? तो ठीक है, लेकिन क्या बोली? आपको बड़ी आग लगी उनकी बात सुनने की? उनकी पर्सनल लाइफ है, करने दो जो करते हैं, आप अपना काम करो। क्या बोली? क्या सिर हुआ यार, बता भी नहीं रही है क्या। अर्ज किया है। तुम अर्ज मत करो, तुम हंग करो। जी चाहता है कि किसी दिन तुझ पे मिट मरे। वाह 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 वाह। ये तमिल शेर अर्ज किया, क्या बोली आप? जी चाहता है कि किसी दिन तुझ पे मिट मरे। मरे? वाह वाह वाह। मिट मरे। मार्च आ गया, इनकम टैक्स और जीएसटी टाइम पर भरे। थैंक यू, याद दिला दिया। क्या शेर मारा, तेरे आधार का पैन कार्ड। क्या शेर बोला। मैं भी एक पेश में शेर अर्ज करना चाहूंगी। इरशाद इरशाद। पैरों में पसीना आता है, सोचती हूँ जूतों में जुराबे डालूं। पैरों में पसीना आता है, सोचती हूँ जूतों में जुराबे डालूं, समझ में नहीं आ रहा कि बॉयफ्रेंड रखूं कि कुत्ता पालूं। कुत्ता पाल ले। सेम ही होता है। चलिए कप्पू जी। अर्ज किया है कि आज जितने भी लड़के लगाते हैं तेरी गली की गेड़ियां, सपना तेरे लिए। हाँ। आज जितने भी लड़के लगाते हैं तेरी गली की गेड़ियां, हाँ हाँ, मुंह पे थूक जाएं अगर तेरी देख ले फटी हुई एड़ियां। मान गए मान गए। कितना डाउन मार्केट शेयर मारे ला इन्होंने। हम अर्ज करते हैं सर। करो। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। किरमानी जी रहते हैं पीछे और स्टम्स इनके आगे। वाह। किरमानी जी रहते हैं पीछे और स्टम्स इनके आगे। आगे? आगे आगे स्टम्प से बताया ना यार, और क्या चाहिए। कितना घटिया शेर बोला, तेरे स्टेडियम की बाउंड्री, तेरे महिला का जय वर्धने। हाँ, अभी मैं एकदम रोमांटिक शेर अर्ज करती है। कोशिश करो। क्या बोला यार आपने? इजाजत लेकर रिस्क किया तो क्या किया, इसको कहते हैं शेर। वाह
इजाजत लेकर इश्क किया तो क्या किया? क्वेश्चन मार्क। हमने जिसे दिल दिया उसने किसी और को दे दिया। आगे कर दिया। क्या पार्सिंग द पार्सल खेला जा रहा है यार? भिखारियों वाला कारोबार खुला है। आगे आगे दे रहे हो शेर लोग। हमने दिया किसी और को दिया, और कैसे दिया कैसे भेजा ये भी बता दो यार। आरटीजीएस किया के एनईएफटी किया, ये क्या शेर हुआ? बिना तुक्का शेर कुछ भी। हमने दिया उसने और को दिया, क्या दिया? किसी के सर पे चढ़ा हुआ भूत उतारना है। वाह। किसी के सर पे चढ़ा हुआ भूत उतारना है। उतार। मुझे फ्री में हिट चाहिए, किसी को मारना है। क्या रे, क्या कर दिया? मुशायरे में थोड़ी सी हिंसा होने का चांस है। हम सब मुशायरा यहीं समाप्त करते हैं। एक बार हमारे सब प्लेयर्स के लिए जोरदार तालियां। सर सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक एपिसोड के लिए, बिकॉज आप सब एक साथ, आप सबको देखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और आपके जो क्रिकेट के जो फैंस हैं, आपके फैंस हैं, आज सब हमें खुशी से बहुत सारी दुआएं दे रहे होंगे। सो धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। और हमारे कुछ दोस्त लोग ऐसे कह रहे थे कि यार काश ये विनिंग टीम है, काश हम दोबारा इनको एक साथ खेलते हुए देख पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए एक छोटा सरप्राइज है जो संदीप सर रिवील करेंगे। सर बताइए जरा। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कपिल और इनके जो साथी सारे कलाकार है, बहुत बहुत यू नो थैंक यू सर, थैंक यू, आभार मानता हूँ। और इतनी आप हंसाते हैं, खुश रखते पूरी दुनिया को। हमारी ये जो शान है इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे कहने पर, मेरी विनती पर ये सारे आए। शुक्रिया। और आपको अच्छा लगेगा ये बात सुनकर कि ना सिर्फ आज हम आपके सामने स्टेज के ऊपर आए हैं, लेकिन हम मैदान के ऊपर भी उतरना चाहते हैं। हम सारे अभी सीनियर सिटीजन हुए हैं, फिर भी जोश वही कायम है। और पहला जो हमारा मैच है, जो हमने चैलेंज दिया है, ओवर 45 जो भी हो, हमारा जो पता है टीम ऑफ 83@gmail.com, तो अगर कोई भी टीम हमारे भारत में या भारत के बाहर ही चैलेंज करना चाहती है हमें इस उम्र में, क्या बात, तो हम तैयार हैं। क्या बात है। तो क्योंकि क्योंकि जी। क्योंकि शेर कभी बुढ़ा नहीं होता। तो फिर से मैं आप सबका और मेरे साथी जो है इनका मैं आभार मानता हूँ। और बहुत खुशी हुई हमें, और मैं आशा करता हूँ, हमारी तरफ से दुआ करता हूँ कि आपका शो इसे भी बढ़कर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत सो मच, बड़ा होता। थैंक यू, थैंक यू सर। सब वक्त सेल्फी का। सर ये फोटो जो है, मैं तो इसका प्रिंटआउट निकाल के अपने घर पे लगाने वाला हूँ सर। इतने हमारे विनिंग टीम के सारे धुआंधार प्लेयर्स एक साथ। वाओ। आप लो रोशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक यू पज्जी बाजी फॉर कमिंग, और थैंक यू सो मच आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस के लिए, इतने प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।